कंट्रोवर्शियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 जल्द ही टेलीविजन पर दस्तक देगा। बिग बॉस 16 के लिए कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने नहीं आई है, पर दो कंटेस्टेंट सेविन नारंग और प्रकृति शर्मा का नाम कंफर्म बताया जा रहा है। सेविन नारंग टीवी की दुनिया के पॉपुलर एक्टर हैं। उन्होंने 2012 में टीवी शो सुवरीन गूगल टॉप ऑफ द ईयर से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके बाद वह टीवी शो एक वीर की अरदास वीरा में नजर आए। इसमें निभाए रणविजय सिंह के रोल में सेविन नारंग को काफी पसंद किया गया। सेविन नारंग और भी कई टीवी शोज का हिस्सा रहे, पर बेहद टू उनके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसमें सेविन नारंग की जेनिफर विंजेट के साथ केमिस्ट्री ने आग लगा दी थी। जिस समय सेविन नारंग को बेहद टू ऑफर हुआ था, उसी समय उन्हें बिग बॉस का भी ऑफर आया था, लेकिन सेविन ने तब बेहद टू को तवज्जो दी। सेविन नारंग को बिग बॉस के लिए कई बार ऑफर दिया जा चुका है, पर किसी न किसी वजह से बात अटक जा रही थी। लेकिन इस बार सेविन नारंग बिग बॉस 16 में तहलका मचाने को तैयार हैं। सेविन नारंग स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का भी हिस्सा रह चुके हैं। इस सीजन में टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भी नजर आई थी। तेजस्वी प्रकाश और सेविन नारंग की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसी शो के बाद से सेविन नारंग और तेजस्वी प्रकाश के अफेयर की खबरें आने लगी थी। सेविन नारंग वैसे तो कभी भी विवादों में नहीं रहे, लेकिन टीवी शो इंटरनेट वाला लव में फिल्माए गए एक इंटीमेट लव मेकिंग सीन पर वह ट्रोल जरूर हो गए थे। इस शो में उनका लीड एक्ट्रेस ट्यूनिशा शर्मा के साथ एक इंटीमेट सीन था। सेविन नारंग कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुके हैं। जल्द ही वह फिल्म गुड बाय में नजर आएंगे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना भी हैं। गुड बाय से रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। यह फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसके अलावा सेविन नारंग ढीठ पतंगे में भी नजर आएंगे। साथ ही सेविन नारंग को रोजी द सैफरन चैप्टर में भी देखा जा सकता है। वैसे इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और इस तरह की इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।